तो भाइयों आपको पता है कि एक फर्जी सिंह बना हुआ है जो कि क्षत्रियों का अपमान करता है, जो कि क्षत्रिय सिंहों का अपमान करता है, नाम भी सिंह लगाता है और ठाकुरों की तरह मूंछें भी रखता है और भी क्षत्रियों का अपमान करता है। तो मैं उसको पूछना चाहता हूँ, तू बोल रहा था कि क्षत्रिय अंग्रेजों के वो तो जे, तो मेरी बात सुन, पहले मुगल आए राजपूत लड़े, चलो हमारी संधि भी हुई या जिससे भी हुई, अगर हमारी हुई तो तुम कहाँ थे? तुम तो हमारी रियासतों में ही रहते थे, तुम्हें जमीनें देने वाले तो ठाकुर थे, अगर हमने संधि की तुम कहाँ थे? तुम सोचो, तुम तो हमारे भी क्या थे, अब खुद सोचो। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात तुमने बोली कि अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों से लड़ने वाले सिर्फ राजपूत थे, सिंधी किसने की? वो तुम जो एक इतिहास बताते हो वो उठाकर देख लो, वो अंग्रेजों से सिंधी किसने की थी। ठीक है, दूसरा अंग्रेजों से लड़ने वाले कौन, एक एक करके बताता हूँ। 1857 क्रांति हुई थी ना मेरठ क्रांति में, मेरठ में आज भी लगा हुआ है बोर्ड, वहाँ पर जहाँ 80 शहीद हुए थे, 80 में से 70 राजपूत थे, जिसमें 40 थे गैर मुस्लिम थे, 40 गैर मुस्लिमों में 38 राजपूत थे, सिर्फ दो अन्य बरादरी के थे। इतना संघर्ष किया, इतना युद्ध लड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरठ में पहली क्रांति हुई थी, और जो बाकी 40 थे उसमें भी ज़्यादातर मुस्लिम राजपूत ही थे। जो तेरे इलाके में ही हरिद्वार रुड़की में जो रांगड़ राजपूत हैं, राव साहब हैं, वे सब राजपूत ही हैं। तो तोमर बट्टी चौहान रांगड़ राजपूत है, रांगड़ राजपूत है, उनके सामने तो कोई बोलता नहीं। ठीक है, वो भी हमारे समर्थन में आएंगे। 30 बहुत थे, 70 राजपूत थे 80 में से। तो सबसे ज़्यादा क्रांति किसने लड़ी? तुम कहाँ थे? तू बोल रहा तुम कहाँ थे? तुम एक भी नहीं था मेरठ क्रांति में, तो आप सोचो कि दलाल कौन हुए अंग्रेज के। दूसरी बात, हिमाचल में सबसे 1857 क्रांति में लड़ने वाले कौन थे? वजीर राम सिंह पठानिया, पठानकोट नूरपुर में उनकी मूर्तियाँ लगी हैं नूरपुर में। हिमाचल में सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े थे नूर सिंह पठानिया ने राजपूत रियासतों को इकट्ठा करके। ठीक है, दूसरा पंजाब में, तब एक ही पंजाब था, आज तो दो देश बन चुके हैं। राय अहमद खरल, खरल राजपूत हैं, दूसरे देश में जाकर पता कर ले। उन्होंने पंजाब में सबसे बड़ा जो युद्ध लड़ा था, उन्होंने लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, हिमाचल पंजाब का बता दिया। जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत थी, वो राजपूतों के पास थी, महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह के पास थी। ठीक है, हिमाचल बता दिया, पंजाब बता दिया, जम्मू कश्मीर बता दिया, अब चल राजस्थान। राजस्थान में भी राजपूतों की रियासतें थी, उनके साथ समझौता हो चुका था ना, वो अंग्रेज तंग करते थे, ठाकुरों के साथ ही सब कुछ था। तो वहाँ पर भी एक जगह करने की कोशिश की, तो वहाँ ठाकुर कौशल सिंह लड़े थे, कौशल सिंह चंपावत, आज भी उनकी मूर्ति लगी हुई है। राजस्थान का भी बता दिया कौन लड़ा था। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश का तुझे बता दिया, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी यूपी है वहाँ पर लड़ने वाले रांगड़ राजपूत, क्षत्रिय राजपूत थे, मेरठ क्रांति का पता कर ले। उसके आगे जा पूर्वांचल, राव माधो बख्श सिंह, रायबरेली पूर्वांचल में आज भी उनकी मूर्ति लगी हुई है, बाकायदा तौर पर उसको पूजा जाता है हर साल, उन्होंने युद्ध लड़ा था। ठीक है, गौतम राजपूतों ने, ठाकुर जोधा सिंह गौतम, गौतम बुद्ध को याद करते हो ना, गौतम बुद्ध राजपूत क्षत्रिय थे, उनके वंशज आज उत्तर प्रदेश बिहार में रहते हैं, उनके वंश से ही गौतम राजपूतों ने, 52 गौतम राजपूतों ने इमली के बूटे पर अपनी कुर्बानी दी थी अंग्रेजों से लड़ते हुए। आज भी इमली के बूटे पर उनकी मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पर चमड़े से पहली बार इतिहास हुआ था कि 52 लोगों ने एक साथ इमली के बूटे पर अपनी शहादत दी थी। कौन लड़े थे? ठाकुर रोशन सिंह को जानता है किन्होंने कुर्बानी दी? बिहार की बात करूँ तो बिहार में वीर कुंवर सिंह, जमशेदपुर के जमींदार, उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा था। अब तू अपना बता, तेरा एक दो होगा तो मुझे बता दे, ठाकुरों के लाखों हैं, ये तो कुछ भी नहीं है कि हम क्षत्रिय समाज पर ऐसे ही अपनी बेबाकी से आवाज़ उठाते रहें। तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स, थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं।